नमस्कार स्टूडेंट्स, डेटा कम्युनिकेशन के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग पे। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे, जैसे व्हाट इज़ स्विच, व्हाट इज़ स्विचिंग एंड व्हाट इज़ अ स्विच्ड नेटवर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विच की। स्विचेज आर द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग temporary connections between two or more devices linked to the switch but not to each other. It is a device which connects multiple communication lines together. Switch वो hardware या software devices होते हैं जो कि दो या दो से अधिक devices के बीच में temporary connection create करने का कार्य करते हैं। ये सारे ही devices आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये सारे डिवाइस स्विच से कनेक्ट होते हैं जो कि इनके बीच में एक कम्युनिकेशन लाइन को क्रिएट करता है, जिससे ये डायरेक्ट कनेक्ट होने के मोड में ही कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो इस डायग्राम में जैसा आप देख रहे होंगे, एक स्विच दिया गया है, उसमें एक तरफ एन डिवाइसेज हैं और दूसरी तरफ एम डिवाइसेज हैं। ये एन और एम सारे ही डिवाइसेज स्विच से कनेक्टेड हैं, आपस में कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन स्विच जो है वो इनके बीच में एक टेम्पररी कनेक्शन क्रिएट कर देता है। अब बात करेंगे हम स्विचिंग की। अ नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। व्हेन एवर वी हैव मल्टीपल डिवाइसेस, वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू कनेक्ट देम टू मेक वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल। एक नेटवर्क जो होता है वो एक सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस होता है। जब भी हमारे पास एक से ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं तो हमारी सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उन्हें कैसे कनेक्ट किया जाए। तो वन टू वन कम्युनिकेशन को पॉसिबल करने के लिए, जबकि नंबर ऑफ़ डिवाइसेस बहुत ज़्यादा हों, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्विचिंग काम में लेते हैं। A switched network consists of a series of interlinked nodes called switch. अगर हमें सारे ही नोड्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो अगर डायरेक्टली हम कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास में नंबर ऑफ कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सपोज़ कीजिए, अगर हमारे पास 1000 नोड्स हैं, अगर 1000 नोड आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करना है तो बहुत ज़्यादा वायरिंग करनी पड़ेगी। और अगर रियल लाइफ सिचुएशन देखें तो आज हर के पास में मोबाइल, इंटरनेट, हर तरह के कनेक्शन डिवाइसेस उपलब्ध हैं, तो स्विचिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे हम सारे ही डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर सकें। अब हम बात करेंगे स्विच्ड नेटवर्क क्या होता है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच कनेक्टिविटी इज़ प्रोवाइडेड यूजिंग नंबर ऑफ स्विचेस। वो कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें कनेक्टिविटी स्विचेस को उपयोग में लेते हुए क्रिएट की जाती है, स्विच्ड नेटवर्क कहलाता है। अ फुल्ली स्विच्ड नेटवर्क ओनली यूजेस स्विचेस फॉर कनेक्टिंग ऑल द डिवाइसेस इन दैट नेटवर्क। एक फुल्ली स्विच्ड नेटवर्क उसे कहा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ स्विचेस को काम लेकर सारे ही डिवाइसेस जो कि उस नेटवर्क में हैं उन्हें कनेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें ए से एल तक किया गया है और स्विचेस को रोमन न्यूमरल्स में 1 to 5 तक डिनोट किया गया है। तो यहाँ सारे ही जो कंप्यूटर्स हैं वो स्विचेस से कनेक्ट हैं। स्विचेस का आपस में एक इंटरलिंक्ड नेटवर्क है, उस नेटवर्क के थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब हम देखेंगे स्विचिंग कितने प्रकार से की जा सकती है। तो मुख्य रूप से स्विचिंग तीन प्रकार की होती है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में दो प्रकार और आते हैं जो कि हैं वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच। आजकल के सर्किट्स में, आजकल के कनेक्शंस में सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, मैसेज स्विचिंग का उपयोग इतना अधिक नहीं किया जाता है।
Switching takes place at several layers of TCP/IP protocol suite. जैसा कि हम जानते हैं TCP/IP लेयर के अलग अलग लेयर्स में अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है, तो स्विचिंग भी अलग अलग लेयर में अलग अलग तरह से होती है. एट द फिजिकल लेयर इट इज़ अ सर्किट स्विचिंग. देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ पैकेट्स एट PL अर्थात फिजिकल लेयर. द स्विचेज एट फिजिकल लेयर अलाउ सिग्नल टू मूव इन वन पाथ और अनदर. फिजिकल लेयर में जो स्विचिंग होती है वो केवल सर्किट स्विचिंग ही होती है. पैकेट्स का कोई आदान प्रदान फिजिकल लेयर पर नहीं किया जाता है. जो फिजिकल लेयर में जो स्विचेस उपलब्ध हैं वो सिग्नल्स को एक या दूसरे पाथ में ट्रेवर्स करवाते हैं, या तो एक तरफ भेजेंगे या उसे दूसरी तरफ भेजेंगे. एट डेटा लिंक लेयर वी कैन हैव पैकेट स्विचिंग. हाउएवर द पैकेट कैन मीन फ्रेम और सेल्स हियर. पैकेट स्विचिंग इज डन नॉर्मली यूजिंग वर्चुअल सर्किट अप्रोच. डेटा लिंक लेयर पे हम पैकेट स्विचिंग करते हैं. यहाँ पे पैकेट से हम फ्रेम या सेल्स दोनों ही मान सकते हैं. पैकेट स्विचिंग साधारणतया हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच, जो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके थ्रू की जाती है. एट नेटवर्क लेयर वी कैन हैव पैकेट स्विचिंग. हियर आइदर अ वर्चुअल सर्किट और डेटाग्राम अप्रोच कैन बी यूज्ड. इंटरनेट यूजेस डेटाग्राम अप्रोच. नेटवर्क लेयर पे भी स्विचिंग की जाती है. यहाँ पे हम वर्चुअल सर्किट अप्रोच के साथ साथ डेटाग्राम अप्रोच भी काम में ले सकते हैं. इंटरनेट में डेटाग्राम अप्रोच का उपयोग किया जाता है. स्विचिंग एट एप्लीकेशन लेयर वी कैन हैव ओनली मैसेज स्विचिंग एट एप्लीकेशन लेयर. इट इज़ डन बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस लाइक ईमेल एक्सेट्रा. एप्लीकेशन लेयर पे केवल और केवल मैसेज स्विचिंग ही की जाती है, और ये मैसेज स्विचिंग एप्लीकेशंस जैसे कि ईमेल वगैरह इस तरह से की जाती है. सो सच कम्युनिकेशन कैन बी कॉल्ड एज मैसेज स्विच्ड कम्युनिकेशन. एज सच देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ मैसेज स्विच्ड नेटवर्क. मैसेज स्विचिंग केवल और केवल एप्लीकेशन लेयर पे होती है. नेटवर्क लेवल पर मैसेज स्विच्ड नेटवर्क किसी तरह से होता ही नहीं है. मैसेज स्विचिंग जो भी होगी वो केवल और केवल एप्लीकेशन लेयर पर ही होगी. अब हम बात करेंगे सर्किट स्विचिंग की. सर्किट स्विचिंग इज़ यूज्ड इन पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, बट इट इज़ यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन ऑल्सो अलॉन्ग विद वॉइस कम्युनिकेशन. जो भी हमारे बेसिक लैंडलाइन फोन्स हैं, पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क जो है उसमें कनेक्शंस के लिए हम सर्किट स्विचिंग काम में लेते हैं. लेकिन उसी नेटवर्क पर हम वॉइस के साथ साथ डेटा भी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो डेटा ट्रांसमिशन में भी स्विचिंग जो है वो सर्किट स्विचिंग के माध्यम से की जाती है. वॉइस कम्युनिकेशन इज़ एफिशिएंट, बट डेटा कम्युनिकेशन इज़ नॉट दैट एफिशिएंट. वॉइस कम्युनिकेशन में जो डेटा है, जो उसकी मात्रा है, वो कम होती है. लेकिन जब हम उसी चैनल में, उसी कम्युनिकेशन में हम जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं और बल्क ऑफ डेटा, जब हमारे पास डेटा का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, तो वो स्विचिंग उतनी एफिशिएंट नहीं रहती है. इन दिस मेथड अ डेडिकेटेड पाथ इज़ एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स यूजिंग वन और मोर स्विच. इसमें हम स्विचेस के माध्यम से दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं. द ट्रांसफ़र मोड ऑफ नेटवर्क इन्वॉल्व सेटिंग अप अ डेडिकेटेड एंड टू एंड कनेक्शन. दिस पाथ इज़ मेंटेन्ड टिल द एंड ऑफ कम्युनिकेशन. स्विचेस के माध्यम से हम दो कंप्यूटर्स के बीच में डेडिकेटेड पाथ क्रिएट करते हैं, और वो पाथ सिर्फ और सिर्फ उन दोनों ही नोड्स के लिए तब तक रहता है जब तक कि कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो जाता. लिंक इज़ रिलीज्ड आफ्टर कम्युनिकेशन इज़ ओवर. और उस लिंक को जैसे ही कम्युनिकेशन ओवर होगा उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा. सर्किट स्विचिंग टेक्स प्लेस एट फिजिकल लेयर. डेटा ट्रांसफ़र में यूज़ FDM और TDM. सर्किट स्विचिंग जो है वो फिजिकल लेयर के ऊपर ही की जाएगी, और डेटा ट्रांसमिशन FDM फ्रीक्वेंसी और
टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। अब हम एक सर्किट स्विच्ड नेटवर्क का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ए से जी तक कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं। अगर हम इन्हें डायरेक्ट जोड़ना चाहें तो हमें 3x4 12 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने 4 स्विचेस काम में लिए हैं और इन 4 स्विचेस को काम में लेते हुए ही ये 12 कंप्यूटर्स कनेक्ट, ये सारे ही कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं और हमें 12 कनेक्शंस को 1x1 डायरेक्ट कनेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस डायग्राम से आप देखेंगे कि स्विचेस को यूज़ करते हुए हम कम नेटवर्क के ऊपर ही, कम रिसोर्सेस को यूज़ करते हुए सारे ही नोड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। 3 फेजेस ऑफ सर्किट स्विचिंग, द एक्चुअल कम्युनिकेशन इन सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्स 3 फेजेस: कनेक्शन सेटअप, डेटा ट्रांसफ़र एंड कनेक्शन टीयर डाउन। सबसे पहले कनेक्शन को सेटअप किया जाएगा सर्किट स्विचिंग में, उसके बाद जो भी डेटा ट्रांसफ़र होना है वो डेटा ट्रांसफ़र होगा, और जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र पूर्ण होगा कनेक्शन को टीयर डाउन या कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट अस यूज अ सर्किट स्विच नेटवर्क टू कनेक्ट 8 टेलीफोन्स इन स्मॉल एरिया, कम्युनिकेशन थ्रू 4 किलोहर्ट्ज वॉइस चैनल। तो जैसे यहाँ पे 8 हमारे पास में टेलीफोन कनेक्शंस हैं, इन्हें हम सर्किट स्विचिंग के थ्रू उपयोग करते हुए हमने इन सारे ही टेलीफोन्स को कनेक्ट किया है। वी अज्यूम दैट ईच लिंक यूजेस FDM टू कनेक्ट मैक्सिमम ऑफ 2 वॉइस चैनल्स, द बैंडविड्थ ऑफ ईच लिंक इज देन 8 kHz, फिगर शोज दैट सिचुएशन। अब हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कम्युनिकेशन 4 kHz के वॉइस चैनल के थ्रू हो रहा है और हर एक लिंक फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को यूज़ करते हुए 2 वॉइस चैनल को क्रिएट कर रहा है। तो 2 वॉइस चैनल होने से इसकी हर एक लिंक की बैंडविड्थ 8 kHz हो जाएगी। तो यहाँ पर हर एक लिंक 4 kHz और जो बैंडविड्थ है वो हो जाएगी हमारी 8 kHz। तो इस प्रकार से स्विचिंग को यूज़ करते हुए ये पूरा सर्किट स्विच नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। टेलीफोन 1 इज़ कनेक्टेड टू टेलीफोन 7, 2 to 5, 3 to 8 एंड 4 to 6। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग टेलीफोन्स आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारे ही कनेक्शन एक साथ भी पॉसिबल है सर्किट स्विच्ड नेटवर्क में। और जैसे ही नए कनेक्शंस क्रिएट होंगे उस समय ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन इस एग्जांपल में हमने देखा कि किस तरह से सर्किट स्विच नेटवर्क को यूज़ करते हुए टेलीफोन कनेक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह सर्किट स्विचिंग को यूज़ करते हुए टेलीफोन नेटवर्क्स आपस में कनेक्शंस क्रिएट करते हैं। थैंक यू।